चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई है सीएम भूपेश बघेल की। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है, सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से। यूपी चुनाव पर भी इस मुलाकात के दौरान बात हुई है। बड़ी अपडेट, अहम अपडेट आपको दे रही है, प्रियंका गांधी भी इस बैठक के दौरान, इस बातचीत के दौरान मौजूद रही। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात सीएम भूपेश बघेल की, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच सामने आ रही है। तो इस मुलाकात से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रही है, सीएम की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। यूपी चुनाव पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाई जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। और खास बात यहां पर यह रही कि प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद रही। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है, दिल्ली में मुलाकात हुई है। सीएम भूपेश बघेल जो है कल ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली पहुंचे थे, और आज सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई है। तो अंतरिम अध्यक्ष से मुलाकात यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने की है और आगामी चुनावों को लेकर, आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा की गई है। और यहां पर प्रियंका गांधी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रही, इस बातचीत के दौरान मौजूद रही, और यहां पर बातचीत जो है वो हुई है सीएम भूपेश बघेल के बीच और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, और प्रियंका गांधी भी इस पूरी बातचीत के दौरान, इस पूरी वार्ता के दौरान यहां पर मौजूद रही। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल जो है दिल्ली के लिए गए थे कल ही, और सीएम भूपेश बघेल ने आज मुलाकात की है यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है, सीएम भूपेश बघेल जो है दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है सोनिया गांधी से और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, प्रियंका गांधी भी तो ऐसे बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल जो है दिल्ली पहुंचे और यहां पर मुलाकात की है उन्होंने सोनिया गांधी से और यूपी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है, क्या यहां पर रोल रहेगा सीएम भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश के चुनावों में? देखिए, सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि यह चर्चा का एजेंडा दोनों नेताओं के लिए अलग अलग हो सकता है। एक तरफ सचिन पायलट मिल रहे हैं सोनिया गांधी से, उसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात करी सोनिया गांधी से। भूपेश बघेल जहां एक आंतरिक फूट का सामना कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको लेकर चर्चा है। वहीं सचिन पायलट जो राजस्थान के अंदर बदलाव पर जोर दे रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं 2022 में आगामी चुनावों को लेकर लगभग चर्चा तय है। शुक्रवार को की बैठक जो हुई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ, उसमें साफ तौर पर फेरबदल हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो लगातार आने वाले चुनावों को लेकर और जो आंतरिक फूट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, उसको लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से चर्चा साफ तौर पर देखने को मिली। देखना होगा कि ये बैठक, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के कई मंत्री भी दिल्ली के अंदर मौजूद है, वो भी आने वाले समय में शाम तक माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ भवन में भी एक मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ इस पूरी बैठक के बाद निकल के आता है, ये एक महत्वपूर्ण बात देखने को। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, महत्वपूर्ण होगा। ऐश्वर्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।